What's up guys? Welcome back to another video and आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं पैल वर्ल्ड। तो गाइस मैंने पैल वर्ल्ड की ऑलरेडी एक लाइव स्ट्रीम करी थी एंड उसके बाद मैंने ये गेम खेलना छोड़ दिया था, लेकिन अब से गाइस हम इस चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियो डालने वाले हैं, वो भी पैल वर्ल्ड की। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड अब चलते हैं सीधा गेम के अंदर। ओके तो गाइस अभी हम गेम के अंदर आ चुके हैं एंड गाइस ये रहा यार अपना प्यारा सा बेस जो की बहुत ज्यादा प्यारा है, मुझे पता यार तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड तुमको मैंने पहले बताया था कि मैंने इस गेम की ऑलरेडी एक लाइव स्ट्रीम कर रखी है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना बेस जो है वो बना लिया था। एंड आज की वीडियो में हमारे कुछ टास्क है, जैसे कि हमें सबसे पहले 30 पॉल्स पकड़ने हैं एंड उसके बाद हम अपने बेस को भी लेवल 7 पे लेके जाने वाले हैं। तो चलो अभी फटाफट से नीचे चलते हैं एंड थोड़े से पॉल्स पकड़ के आते हैं। लोगों को मैं अपने पोकेमॉन दिखाऊं क्या जो मैंने पकड़ के रखे हैं? ये देखो पहले तो मैंने ये पकड़ा है, यह डे ड्रीम भाई, भाई ये बहुत खतरनाक है भाई, ये देखो हार्वेस्टिंग में काफी मदद करता है, ये पावरफुल भी बहुत ज्यादा है यार, ये पूरे 6 लेवल का है, मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था इसको। एंड उसके अलावा मेरे पास और क्या है यहाँ पे, लैम्प बॉल आई थिंक मेरे पास, फालतू में बेस कर दिया यार मैंने एक पॉल्स पे। ओके तो ये देखो मेरे पास लैम्प बॉल भी है, दो मेरे पास है, ये भी 6 लेवल के हैं। तो अभी मेरे को सीधा नीचे जाना है एंड वहां से थोड़े से ऑल पॉल्स पकड़ के आते हैं, उनसे फाइट लेते हैं थोड़ा। वैसे तो मुझे यहाँ पे कोई नया वाला नहीं दिख रहा है, हमें कुछ खतरनाक सा पकड़ना है यार, मतलब भेड़े भेड़े ऑलरेडी मैंने पकड़ के रखी है, कुछ अलग सा इस बार पोकेमॉन पकड़ के आते हैं। इसको पकड़े क्या, दो लेवल के है यार, कुछ बड़ा सा चाहिए भाई, ऐसा छोटा मोटा नहीं पकड़ूंगा, एकदम थोड़ा होना चाहिए भाई, पता लगना चाहिए भाई, कोई बढ़िया सा पैल पकड़ेंगे यार, फालतू फालतू नहीं पकड़ेंगे, कोई बड़े से लेवल का हो एंड थोड़े से और ज्यादा आगे जाके भी हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे तुम मेरे पास देख सकते हो मेरा बो है लेकिन मेरे पास एरोज नहीं है बेटे, मैं ऐसे ही आ गया, मेरे को एरोज भी बनाने हैं, मैंने यहाँ पे एरोज अभी तक नहीं बनाया है। एंड क्या यार तुम चेक करो भाई ये पोकेमॉन बहुत क्यूट है भाई, कुछ भी बोलो तुम, वो सामने देखो भाई वो हाथी भाई, उसको मेरे को पकड़ना है, ये है मेमोरेस्ट। एंड गाइस ये तुम लोग को पता है बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है एंड मैं इससे शायद ही पंगा लूंगा, ऐसे क्या बोलते हो पंगा लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए? ऐसे यार वो है तो बड़ा मस्त, लेकिन उससे पंगा लेना आई थिंक मेरे लिए तरह से खाली नहीं है। ओके ओके इसको छोड़ो क्योंकि इसका लेवल अभी बहुत ज्यादा है, मेरे पास उतने पावरफुल पैल्स नहीं है ना तो इसलिए नहीं पकड़ पाऊंगा। वो यहाँ पे मेरे को एक नया पैल मिल चुका है, ये रैबिट है क्या भाई, क्या ये, हेलो वेट रुक भाई, इसको पकड़ने का ट्राई करूंगा, ए रुकना, आजा 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 आजा, ये पंगा लेते हैं, ये पकड़ना है मेरे को, इसका नाम है क्रेमिस, रुक जा बेटे, थोड़ा सा फटका खा ले और बस हो गया और ये कैप्चर हो जाएगा, मतलब वो अभी 2 लेवल का है ना, वो तो इजीली कैप्चर हो जाएगा। और इनकी तो बैंड बजा दी भाई इसने, भाई ये डे ड्रीम मैं बोला ना भाई काफी तगड़ा भाई ये, भाई मेरे को ये पकड़ना है यार मेमोरेस्ट। अरे आजा आजा, ओए पंगा नहीं ले उससे भाई, वो फालतू में उससे लड़ने चला गया था, मेरे अभी यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से वो पिटाई कर देता। यहाँ पे मेरा लेवल इंक्रीज हो चुका है तो मैं इसको हेल्थ पे डालू या फिर थोड़ा सा मेरे को आई थिंक स्टेमिना बढ़ाना चाहिए यार, वो बहुत जल्दी थकता है। 7 लेवल हो चुका है भाई, मेरे को कुछ अच्छा सा पकड़ना है यार, ये फालतू का फालतू चिंदी चिंदी नहीं पकड़ूंगा, थोड़ा आगे चल के देखते हैं कोई और पल हमें मिलता है मस्सा। वेट यहाँ पे मुझे कुछ दिखा भाई, वो जेली की तरह उछल रहा है गुमोस, इसको पकड़ता हूं रुको बेटे, किधर जा रहा है तू, है इधर आ बेटे, चल मेरा 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 पोकेमॉन तुझे देख लेगा भाई, अरे मारना उसको भाई यार, छी भाई ये तो एक फटके में मर गया यार, इसको तो उसने एक फटके में सुलटा दिया भाई, मतलब ये वाला मेरा पोकेमॉन काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम देख सकते हो डे ड्रीम मतलब एकदम तगड़ा लेवल का है। थोड़ा जिनको नहीं पता है मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर चुका हूं ऑलरेडी अपनी लाइव स्ट्रीम में, इससे भी आगे चलते हैं थोड़ा। ओए मेरे को वो पकड़ना है यार, मैं पिछली बार उससे मर गया था लेकिन इस बार मैं उसको पकड़ के जाऊंगा लाइव स्ट्रीम में, एक बार मैं इनको पकड़ने का ट्राई कर चुका हूं लेकिन पकड़ नहीं पाया हूँ, 11 लेवल के दोनों, आई थिंक मेरे को इससे पंगा लेना चाहिए जो पीछे वाला है, आगे वाले पे ना जाए वो, आगे वाला अटैक ना करे, बेटे भाई प्लीज पकड़ लेना प्लीज। अरे यार वो गलत बंदे से पंगा ले रहा है भाई, शिट भाई वो मेरा पोकेमॉन क्या कर रहा है भाई, ये दोनों इधर मिलके मेरे को मार रहे हैं यार, भागो भाई मेरे को आई थिंक यहाँ से निकलना चाहिए, मेरे को यहाँ पे कुछ और मिल चुका है, ए शिट ओ तेरी, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, वो मेरे नीचे ही है भाई यार, मेरे को यहाँ से कैसे ना कैसे करके भागना पड़ेगा, वो मेरे को यहाँ पे कैसे डैमेज दे सकता है यार, वेट मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ गंदे तरीके से, नहीं 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 वो ज्यादा पावरफुल है, वेट मेरे को यहाँ पे कुछ खाना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा गंदे तरीके से, निकलो 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 भैया निकलो निकलो, मैं मरने वाला था वहाँ पे, यहाँ पे मेरे को यूनिकॉर्न मिला, उसको पकड़ने का ट्राई करेंगे, वैसे मेरे पास हेल्थ भी नहीं है, लेवल चेक करता हूँ पहले कितने का है वो, लेवल के हिसाब से उसको पकड़ेंगे, अरे भाग मत रे, 10 लेवल का है वो, मेल्पिका पकड़ेगा गाइस उसको, मेरा डे ड्रीम भी काफी पिट चुका है वैसे, ठीक है कोई बात नहीं उससे पंगा लेने का ट्राई करते हैं। भाई वो पीछे जो थे वो बहुत पावरफुल थे यार, मैं उनसे फालतू में ऐसे ही भिड़ गया भाई, मेरे को भिड़ना नहीं चाहिए था उनसे, रुकना जा जा जा, अभी अभी किधर जाएगा, घर जा रहा है वो, पानी के ऊपर चल सकता है वो, क्या कर रहा है वो यार, वो पानी के नीचे नीचे से क्यों भाग रहा है, मेरे को उसको पकड़ना है भाई, फास्ट ट्रैवल अनलॉक नहीं किया था, मतलब यहाँ पे फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ, बेटे तू बच के किधर जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, वो गायब हो गया, नहीं नहीं ये रहा नीचे है यार, मेरे को उसको पकड़ना है भाई, मेरा कैटिबा भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसका हेल्थ बढ़ चुका है, सॉरी कैटिबा नहीं डे ड्रीम, आजा 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 वेरी गुड, चल तू निकल अभी इधर, ओ शी 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 बेटा तू तो गया अभी, ओए किधर, इधर हूँ भाई मैं, किधर जा रहा है नीचे, किधर जा रहा है वो, या बढ़िया पेल लपेट उसको, नहीं 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 नहीं, भाग 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 भाग, डे ड्रीम मरना मत यार, बेइज्जती ना करवा दियो ब्रो, नहीं प्लीज मार,
यार उसने मार दिया उसको ब्रो। चीट यार, उसको पकड़ने वाला था लेकिन उसने उसको मार ही दिया तब तक। यार क्या फालतू का पोकेमोन लेके रखा है भाई मैंने। अभी ट्राई करेंगे उसको पकड़ने का सामने। वैसे छोड़ो, मेरे को यहाँ पे पॉल्स पकड़ने हैं 30, मैंने 8 पकड़े हैं। अभी छोटे मोटे पकड़ के ही अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा यार शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़े वाले पकड़ के तो वो मेरे को लपेट दे रहे हैं सीधा। वो देखो सामने एक पेंगुइन टाइप पेंगुइन है, पेंगुइन सा मुझे दिख रहा है कुछ, पकड़ दे। चलो डर भाग रहा है भाई। ऊपर वो बड़ा वाला हाथी है भाई, उसके पास नहीं जाना है यार मुझे, के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है। मेरे को थोड़ा सा और पावरफुल पोकेमोन पकड़ने पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक पोकेमोन अगर मर गया तो मेरे पास कोई दूसरा पावरफुल नहीं है, मेरे पास भेड़ है भाई, वो क्या कर लेगी। मेरे पास यहाँ पे एरोज भी नहीं है, तो सबसे पहले यार मैं क्या करता हूँ ना, फास्ट ट्रैवल होके अपने बेस के ऊपर जाता हूँ, वहां से थोड़े एरोज वगैरह इकट्ठे करके लाऊंगा, क्योंकि ऐसा फिर दूर से मारने में ना थोड़ा मदद मिलेगा, और मेरे को यहाँ पे एक बॉस से भी फाइट लेना पड़ेगा। वेट, मेरे को यहाँ पे फायर टाइप पोकेमोन मिला सामने, आई होप मैं उसको पकड़ लूं भाई, मेरे को एक को तो पकड़ना है, आई थिंक वो ज्यादा लेवल का भी नहीं है, मैं पकड़ सकता हूँ। पकड़ 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 पकड़। अरे रुकना थोड़ा सा, इधर बस बस एक फटका, आई होप आ जाए प्लीज प्लीज आ जा 65 आ जा, कम ऑन 84 आएगा 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 आएगा, यो यस यस भाई, यहाँ पे मैंने फायर टाइप पोकेमोन पकड़ लिया भाई, फॉक्स पार्क्स करके। आ जा, मेरा डे ड्रीम बहुत तगड़ा है भाई, ये पकड़ा है भाई मैंने। ओ भाई ये फायर टाइप है भाई, मतलब ये फ्लेम यहाँ से थ्रो कर सकता है, ये मस्त हुआ ना अभी, कुछ ऐसा टाइप का मैं बोल रहा था पकड़ने को। एक मेरे पास और पावरफुल हो चुका है, लेकिन ये अभी 5 लेवल का है, धीरे धीरे उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे मेरा लेवल इंक्रीज होगा। और यहाँ से मैं थोड़ी वेरीज इकट्ठा कर लेता हूँ खाने के लिए, थोड़ा यहाँ से फर्स्ट ट्रैवल मार के अभी चलते हैं अपने बेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मेरे को अपने लिए थोड़े एरोज बनाने हैं भाई। फिर मेरे को क्या चाहिए, स्टोन, मेरे को यहाँ पे वुड चाहिए थोड़ा सा, पहले वुड काटता हूँ मैं। ओके, अभी थोड़े यहाँ से एरो बना के निकलेंगे, पूरे 30 एरो बना के फिर देन उसके बाद फाइट लेने चलता हूँ। ज्यादा एरोज नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरा बैग जो है वो हैवी हो जाएगा, एंड फिर दिक्कत हो जाता है भाई चलने में, और सामान भी नहीं ले पाऊंगा। और भाई ये एरोज बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, अरे रुको एक सेकंड, एम्बोल है कब काम में आएगा, चल बना उसको। तो मैंने यहाँ पे फूड के लिए अपने यहाँ पे बेरीज का प्लांट लगाया है, यहाँ पे बेरीज लगा रखी है मैंने। तो मैं यहाँ पे और चीजें भी बना सकता हूँ, जैसे मेरे के स्ट्रॉ पॉल बेड बनाने को है। अभी मैंने घर यहाँ पे थोड़ा सा बनाया, ज्यादा बड़ा घर भी नहीं बनाया है। अलार्म बेल वो मैंने बना दिया उधर, हैंगिंग रैप क्या होगा भाई, बना देगा साइड में। अगर कोई इसके पास जाके अगर ऐसे जाएगा तो वो लटक जाएगा लिटरली, मतलब यहाँ पे अगर मेरे बेस के ऊपर अटैक होता है और उसके पास कोई जाएगा ऐसे, उसका पाव फंसेगा एंड वो लिटरली वो में लटक जाएगा। ये बस चीज है यार, डिफेंस करने के लिए भी बहुत सारी चीजें है भाई इसके अंदर। मेरे को एक रेंच बनाना है यार, उसके मेरे को वुड चाहिए, फाइबर मेरे पास है, स्टोन चाहिए और वुड चाहिए। ओके, थोड़ा स्टोन और वो इकट्ठा करता हूँ। ओ शीट, यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा वेट उठा लिया है, मेरे को आधा सामान उसके अंदर रख के आना चाहिए यार। ये चीज है जो उसको मैं पास रखता हूँ, बाकी मैं इधर ही रखने वाला हूँ। एंड अभी यहाँ पे मैं रेंच बनाने वाला हूँ, मेरे को क्या चाहिए, वुड चाहिए मेरे को 50। ओके, मेरे पास वेट 396 kg मैंने उठा लिया और 300 मेरी कैपेसिटी है भाई। भाई मैं पूरा वो बना के ही मानूंगा 43। देखो 7 और मिल जाए मेरे को, थोड़ा सा आगे चल के जाना पड़ेगा मुझे, देन वहां पे मैं उसको काट लूंगा, देन उसके बाद मेरा वेट भी हो जाएगा खत्म। रुको बस। ओके, यहाँ पे अभी मैं बनाने वाला हूँ एक रेंच। वो ये बहुत ज्यादा स्पेस लेने वाला है, फिर बना ले क्या, फिर मस्त रहेगा। ये रहा अपना रेंच, इधर से पेड़ वेड़ बाद में काटता हूँ, क्योंकि अभी मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और ये मेरी हेल्प कर रहा है लैम्बोल, काफी मतलब मददगार पोकेमोन है भाई, वो बहुत मदद कर रहा है मेरी चीजें बनाने में। यहाँ पे मेरे को एक मिनट तक का वेट करना पड़ेगा भाई। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे अपना रेंच बन चुका है भाई, अंदर आप अपनी मुर्गियां रखेंगे क्या। अच्छा, मेरे को इनको बनाने के मतलब जो मेरे पैल्स है उनको खिलाने के लिए मेरे को एक फीड बॉक्स भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को वुड चाहिए, तो मैं ये वाली वुड काटूंगा, क्योंकि फिर उधर अपना अंदर फार्मिंग के लिए वो जगह है। ओके, तो मैं इनको फीड बॉक्स बनाऊंगा, तो इनको खाना खिलाने के लिए तो मैं घर के अंदर बनाऊंगा आई थिंक, क्या वो या फिर बगल में बनाऊंगा। इधर बनाने का ट्राई करता हूँ, इधर बनाने का सोच रहा हूँ मैं, इधर बनाऊंगा अपना फीड बॉक्स। ये तो जल्दी बनने वाला है, मतलब 6 सेकंड में बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना फीड बॉक्स भी बन चुका है। अभी फटाफट से मैं नींद ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा काम करा भाई। यहाँ पे मेरा बेड है घर के अंदर, थोड़ी देर यहाँ पे नींद ले लेता हूँ मैं अपनी। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो एक और नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। एंड यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कल हमने बनाया था यहाँ पे अपने लिए एक रेंच, और यहाँ पे बनाया था फीड बॉक्स। एंड अभी मेरे को क्या बनाना है, बेरी प्लांटेशन मैंने ऑलरेडी बना चुका है, कैंप फायर मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में अपनी लगा दी है। एंड अभी मेरे पास एरोज भी आ चुके हैं, तो अभी मैं ट्राई करूंगा नए नए, मेरे को मन पकड़ने जाना है। वेट, मेरे को 21 पॉल्स पेयर चाहिए। मैंने एरोज ले लिए, पॉल्स पेयर बना लेता हूँ अपने लिए पहले, तो अभी पकड़ेगा पूरे के पूरे मेरे को 21 यहाँ पे पोकेमोन पकड़ने हैं भाई। सॉरी, पोकेमोन क्यों बोल रहा हूँ यार, पोकेमोन पकड़ने हैं। और राइट हैंड में ट्राई करूंगा, मतलब मेरे पास हर एक तरह का होना चाहिए, मतलब पोकेमोन। देखो ये नहीं है मेरे पास, मेरे को रेडी रहना है, पीछे से वो अटैक करेगा। यार एक फटके में कैसे भाई, एक फटके मार दे रहा है वो, उसको निकालूंगा ही नहीं मैं, खुद से अपने आप से फाइट करूंगा। उसको निकालूंगा तो वो एक फटके में मार देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। वो कैटिबा पकड़ते हैं, कैटिबा नहीं है मेरे पास। एक इधर भाग रहा है चिरकुट, आ जा यार। वो मेरे को हाथी बहुत पसंद है भाई, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा ना, वो 35 लेवल का है, दिक्कत तो वो है सारी। एंड ये मेरे से बहुत ज्यादा भाग रहे हैं यार, क्यों भाग रहे हो तुम लोग इतना। हाँ 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 एटिवा नहीं है ना मेरे पास, चल
ये पकड़ लिया, फॉल्स पेयर मिल गया एक और। ओ शिट, टुकर है, मैंने उसको पहले नहीं निकाला वरना वो भी मेरे हाथ से निकल जाता। एंड नीचे वो पेंगुइन है, इसको पकड़ के लाता हूँ। वो भाग गया, उसको पता चल गया, उसको पता चल गया, उसको पता चल गया मैं आ रहा हूँ। वो सारे भागने लग गए। यार ऐसा मत करो यार, उतना भी बुरा नहीं हूं मैं, बस पकड़ के ले जाऊँ तुम्हें। हाँ भाई, क्रेमिस मैंने पकड़ा है ऑलरेडी है क्या, बट ठीक है मेरे को 30 करने है ना। आई होप आ जाए, आ जा मान जा मान जा। ओके आ गया, आ गया, आ गया। यहाँ पे कोई और नहीं, वो देखो वो रहा यार, ये पकड़ रहा है मेरे को ये उमोस। ये मर चुका था ना पिछली बार, उसने मार दिया था मेरे डे ड्रीम ने। पर मैं ट्राई करूंगा खुद से मार के इसको पकड़ूंगा यार। नहीं नहीं, भड़कना नहीं है भाई। क्यों भड़क रहा है इतना क्यों भड़क रहा है तू? आजा मान जा मान जा, शांति से मान जियो, शांति से मान जियो बेटा, कोई फालतू गिरी नहीं करने का। हाँ मान जा शांति से। ओके तो यहाँ पे मैंने घूमोस को भी पकड़ लिया है, मतलब इजी है इनको पकड़ना। थोड़े जो ज्यादा लेवल के उनको पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस अपने को थोड़ा अलग चाहिए। और मतलब मैं ट्राई करूंगा पूरे अलग अलग पोकेमोन पकड़ने का, क्योंकि सेम तो अपने को जमता ही नहीं है ना। अरे एक काम करके गाइस, वो जो सामने वो मेरे को था, मैं उसका नाम नहीं पढ़वाया हूँ, मेरे को उसका नाम याद नहीं है। मैंने पिछली बार फाइट ली थी, मैं उसको पकड़ने का ट्राई करूंगा। जिसको मैंने पिछली बार पकड़ने का ट्राई करा था, वो सामने जहाँ पे मैंने फाइट ली थी, वो दो थे भाई। अगर वो मेरे को सिंगल मिल गया ना, तो मैं इससे फाइट ले लूंगा एंड ट्राई करूंगा उसको पकड़ने का। आई होप वो आ जाए, लेवल 7 या 8 होगा ना, तब तो इजीली आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को फायर टाइप पोकेमॉन मिल गया एंड वो काफी बड़ा है, बस ऑलरेडी एक है, उसको नहीं पकड़ेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे, वो मेरे पास ऑलरेडी है। थोड़ा आगे चल के देखते हैं कोई और हमें मिल जाए शायद बढ़िया सा। मेरे को वही पकड़ना यार, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो जो फाइट करता है ना, जिसके स्विंग होते बड़े बड़े। मैं टावर की तरफ बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे वो बॉस फाइट भी मेरे को अभी करने को है। यहाँ पे थोड़े अलग पोकेमॉन मिल जाए मुझे। वो देखो सामने वो पेंगुइन नहीं है ना मेरे पास। पेंगुलेट मत भाग। ओके मेरे पास यहाँ पे एरोज भी है। ए मैं फालतू में वेस्ट कर रहा हूँ उनको, वो लग ही नहीं रहा है। व्हाट द हेक, मैंने उसको मारा था, उसको लगी नहीं भाई। अरे यार वो बहुत भाग रहा है भाई। ए शिट, मेरे को नया वाला मिला पोकेमॉन इधर। रुक रुक रुक, क्या नाम है तेरा यार? वो बहुत भाग रहा है भाई। हाँ रुकना, इधर आ। अरे मारना उसको यार, अच्छा है क्या? इसको पकड़ नहीं पाऊंगा क्या मैं? यार वो बहुत भाग रहा है, वो फाइट भी नहीं ले रहा है, मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत तेज भाग रहा है वो, आई थिंक मैं उसको पकड़ ही नहीं पाऊंगा। छोड़ो, वहाँ पे वो मंकी है क्या है वो? वहाँ पे दो मंकी जा रहे हैं। आजा 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 इधर। हाँ इधर आना, मार मार मार। एक और, शिट वो मर गया यार। आजा आजा आजा, तू आजा तू आजा, मैं खुद फाइट लेता हूँ उससे। ओए बेटे तू तो बड़ा तेज निकला बे भाई। आजा आजा, बस बस मेरे पे अटैक ना कर, बस आ जियो चुपचाप से आ जियो चुपचाप से। बस आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ऑल राइट, यहाँ पे मैंने बंदर को भी पकड़ लिया भाई। भाई बंदर काफी खतरनाक है वैसे वो भी। यार ये दोनों एक बार अलग हो जाए ना भाई, फिर मैं उनके ऊपर अटैक ले सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे डायरेक्ट अटैक किया ना उनके ऊपर, तो वो दोनों मार देंगे मुझे। वो 10 लेवल का है, आई होप मैं उसको आराम से कैप्चर कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं उसको इधर दूर से मारता हूँ अपने एरो से। बढ़िया, आजा यार पीछे वाले को। क्यों भाई? शिट उसने उसको देख लिया यार, उसने फिर से देख लिया भाई। मैं गया, मरना मत प्लीज यार, मैं मरने वाला हूँ भाई। शिट प्लीज, ओ यार ये गलत कर दिया मैंने यार। नहीं भाई, शिट भाई मेरे को यहाँ पे रिवाइव कर दो भाई, मेरे को अपना सामान लेने जाना है भाई, मेरे पास सामान भी नहीं है भाई। ए मैं किधर आ गया? इधर नहीं मेरे को जाना है, किधर मरा हूँ? मोन कम ऑन, जल्दी जल्दी ट्रैवल कर, जल्दी ट्रैवल कर, मेरे को सामान चाहिए यार। मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, बस मेरा सामान ना मेरे को मिल जाए यार। यार ये सही चीज है, मतलब सामान वापस से मिल जाना। वो आ जा भाई, मेरे को यहाँ पे एक अलग तरह का पोकेमॉन दिखा था, वो रहा ऊपर दिख गया। ये तो एक लेवल का है। ए चिरकुट, दो फाइट लेने लग गया, ये गलत चीज है भाई, तुमको अकेला होना चाहिए भाई। आ जा, मेरे को पता है तू आ जाएगा, कैप्चर हो जाएगा तू आराम से। Easy. अच्छा ये वाटर टाइप था, ओ नाइस। यार वो सिंग वाला है क्या ऊपर? मेरा यहाँ पे लेवल भी इंक्रीज हो चुका है, 8 लेवल हो चुका है अपना। एंड मेरे को थोड़ा सा अपना स्टेमिना इंक्रीज करना भाई फिर से, क्योंकि मेरा स्टेमिना, मैं बहुत जल्दी थकता हूँ यार। थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। अच्छा वो स्टैचू है, नहीं पेड़ है वो यार, मेरे को लगा वो पॉल है कोई। मेरे को भी फाइट भी लेना है बॉस से। ऊपर कुछ लगा हुआ है, कोई फ्रूट लगा हुआ है, वहाँ पे चल के देखते हैं क्या है। कुछ चमक रही है वो चीज, यहाँ पे फ्रूट्स लगे हैं, मैं उनको खा सकता हूँ क्या? ये क्या है? लिम्फो पाए, सामने जाना चाहिए क्या? नहीं मेरे को उधर जाना है, पीछे उधर मेरे को वो वाले पोकेमॉन पकड़ने हैं भाई, वो जो सिंग वाला पोकेमॉन है मेरे को उसको पकड़ना है भाई, किसी भी हालत में मेरे को तो उसको लेके ही जाना है भाई। आज तो कुछ हो जाए, आज के दिन में ही पकड़ने वाला हूं मैं। और अच्छा मेरा लेवल भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है मेरे उसके साथ, मतलब मेरे साथ साथ मेरे जो पोकेमॉन्स है उनका लेवल भी इंक्रीज होगा। ये बड़ी मस्त चीज है यार, फुक बहुत भागता है यार, इसको पकड़ना है भाई। क्या सीन है इसका, मैं उसको पकड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? एक सेकंड, मैं अगर उसको आग का फटका दूं तो। आजा आजा बढ़िया। यार तुम लोग किधर आ रहे हो भाई? शीट मैंने किसको पकड़ लिया, उसको नहीं पकड़ने का था। कम ऑन मैंने बहुत जल्दी पकड़ा, आई मीन मेरे को लग ही रहा था यार इसको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है भाई। आजा 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 ब्रो, कमॉन अब तो तू आ जाएगा, कमॉन। 53 77 100, यस मैंने लीफ मॉन्क पकड़ लिया भाई। लीफ मॉन्क वैसे वो डैमेज नहीं दे रहा था मेरे को। ए तू शेमड़े, तू किससे फाइट ले रहा है? तेरे को पता है मेरे पास कौन है? ए बेटे एक फटके में मर जाएगा तू, एक फटके में। ऑलराइट मैंने यहाँ पे बहुत तरह तरह के पोकेमॉन्स पकड़ लिए भाई, बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास फायर टाइप है, वाटर टाइप है, और यहाँ पे मेरे पास वो डे ड्रीम है, ये पता नहीं कौन सा टाइप है भाई, लेकिन है। अभी मेरे को कुछ खाना चाहिए, खा नहीं सकता हूँ क्या? रुको मैं अपने डे ड्रीम को खिला देता हूँ, इसको काफी भूख लग रही है।
अभी खाना वाना अपना फुल हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात चीज नहीं है। एंड अभी बॉस फाइट करने का ट्राई करेंगे, वो मेरे को वो भी एक्टिवेट करना है ताकि मैं फास्ट ट्रैवल जल्दी से ट्रैवल कर पाऊँ यहाँ पे। भाई भाई वो नीचे मेरे को दिख चुका है, मेरे को यहाँ पे फ्लाइंग पोकेमोन भी दिखा है यार, वो फिर से दो है भाई। आई थिंक फ्लाइंग वाले से तो मेरे को पंगा लेना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे ये कौन सा पोकेमोन है भाई, यहाँ पे रात भी हो रही है, कौन सा है वो? कैप्रिटी। दो है। नहीं 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 ब्रो ब्रो कुछ नहीं भाई, आ जा कुछ नहीं ब्रो यार, छोड़ो भाई। मैं फटाफट से अभी वापस से फास्ट ट्रैवल करके जाता हूँ एंड सो जाता हूँ भाई। आज भी मैं कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक फ्लाइंग पोकेमोन दिख चुका है, और अगर मैंने इसको पकड़ दिया भाई तो शायद मैं सीधा इसके ऊपर बैठ के उड़ सकता हूँ। अभी चलते हैं अपने घर पे, फटाफट से नींद पूरी करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नया सुहाना दिन। एंड कल के दिन में हमने बहुत सारे अतरंगी पोकेमोन्स पकड़े थे, एंड आज फिर से जाएंगे। एंड कल मैंने पहली बार अपना फ्लाइंग पोकेमोन भी देखा, मेरे को उसको भी कैप्चर करना है भाई। तो यहाँ से फास्ट ट्रैवल करते हैं। 38 एक सेकंड, मैं चिलेट को पकड़ने का ट्राई करूँ क्या? चिलेट जो है वो 11 लेवल का है। कहाँ पे देखा मैंने उसको? तेरी कहीं पे है यार। मेरे को ना अब कोई ऐसा पोकेमोन चाहिए जिसके ऊपर मैं राइड कर सकूं, क्योंकि ऐसे खुद से बहुत टाइम लगता है यार जाने में। वो कौन सा है भाई, इससे पंगा ले क्या? आ जा बेटा। ओहो ये चिलेट जिसको मेरे को पकड़ना था। ओ नहीं 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 ब्रो 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 यार वो किधर है? मेरी वो किधर है? शिट मैं फ्रीज हो चुका हूँ। नहीं, मेरा डे ड्रीम जाने वाला है भाई। ये काफी ज्यादा पावरफुल है चिलेट भाई। आ गया बेबड़ा पीछे आ गया मेरे, मार देगा मुझे। ओह नहीं अबे नहीं भाई, छी भाई मैं कितनी बार मर चुका हूँ यार, उसने मेरे को भागने का मौका भी नहीं दिया चिलेट ने। वैसे वो तगड़ा है काफी चिलेट, और उसको मैंने पकड़ लिया तो मेरे को अपना सामान वापस लाने का भाई। छोड़ो भाई उनको छोड़ो, मैंने वहाँ पे एक अच्छा सा पोकेमोन भी पकड़ा था, वो भी गया। इधर मेरे को ये अकेला वाला भी मिला, तो अभी कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ना हथियार ही नहीं है लड़ने के लिए। अरे यहाँ पे कपड़े वपड़े सब उड़ गए क्या? मेरी शील्ड विल्ड सब टूट गया है भाई, सारा सामान उड़ चुका है, मतलब मेरी शील्ड विल्ड मेरे कपड़े वपड़े सब टूट गया। मेरे को स्टार्टिंग से सब कुछ बनाना पड़ेगा भाई। छोड़ो यार मैं फाइट नहीं ले रहा इनसे, अभी वापस चलता हूँ यार घर की तरफ चलता हूँ। ये सही है, मैंने अपने फास्ट ट्रैवल के बगल में अपना घर बना रखा है, मतलब अपना बेस, सॉरी घर बोल रहा हूँ। अभी मैं अपने पोकेमोन को यहाँ पे रिलीज करता हूँ, एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से पोकेमोन पकड़े हैं। तो यहाँ पे एक मैंने लीफ मंक पकड़ के लाया हूँ, और एक गुमोस है, टीफेंट है, और ये लीफ मंक है। आज मैंने बहुत तरह के पोकेमोन पकड़ लिए, तो भाई अभी आई थिंक एपिसोड भी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो तब तक के लिए गाइस बाय।